2 एकड़ 55 डिसमिल जमीन पर पोजीशन लेने गए जमीन कारोबारी विनायक मिश्रा को आज गांव वालों ने खदेड़ दिया। दिन के 1 बजे के करीब जमीन कारोबारी विनायक मिश्रा कुछ सरकारी मुलाजिमों के साथ ओरमांझी के गगारी गांव पहुंचे। ग्रामीणों का इल्जाम है कि जमीन कारोबारी विनायक मिश्रा सोहराई जतरा टांड शहीद जीतराम बेदिया खेल मैदान पर कब्जा लेने आए थे। ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। गोलबंद हुए ग्रामीणों ने विनायक मिश्रा एवं सरकारी मुलाजिमों से कहा कि यह उनके पूर्वजों की जमीन है, किसी भी हालत में जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसी बात पर जमीन कारोबारी और ग्रामीणों में अनबन होने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीणों ने विनायक मिश्रा को लाठी डंडे के साथ खदेड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह पुलिस विनायक को बचा अपने साथ थाना ले गई। जमीन कारोबारी विनायक मिश्रा ने थाना में एक लिखित आवेदन दिया है। विनायक मिश्रा का कहना है कि उक्त जमीन के दस्तावेज उनके पास है, पर उन्हें जमीन पर पोजीशन नहीं लेने दिया जा रहा। वहीं गगारी गांव के मुखिया धनराज बेदिया के नेतृत्व में गांव में एक बैठक की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी हालत में गांव में जमीन माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा। जमीन उनके पूर्वजों की है। जमीन माफिया ओरमांझी में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। इल्जाम है कि जमीन कारोबारी विनायक मिश्रा के एक आला पुलिस अधिकारी के साथ गहरे ताल्लुकात है। इसी पुलिस अधिकारी के दम पर वो जमीन पोजीशन लेने गया था। बैठक के बाद ग्रामीणों ने जमीन पर एक बोर्ड गाड़ दिया। बोर्ड में लिखा गया कि यह जमीन बिक्री की नहीं है, इस मैदान में मेला लगता है, यहाँ खेलकूद सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अंचल के अधिकारी अगर निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करें तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। गगारी गांव के शिव टहल नायक का कहना था कि गलत वंशावली बनाकर फर्जी तरीके से जमीन की खरीद बिक्री का गोरख धंधा चल रहा है। ग्रामीणों ने बैठक में अंचल अधिकारी से मांग की है कि कृष्णा बरई पिता स्वर्गीय झुबरा बरई के फर्जी कागजात को अविलंब रद्द करे। गांव के शमशान घाट और जंगल झाड़ को भी जमीन दलाल कब्जा करने की फिराक में जुटे हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी खाना भी नहीं खिलाए और हम लोग सुबह से परेशान हैं इस जमीन को बचाने के लिए। जल्द चाहते हैं कि इस समस्या को सुलझाया जाए। विनय मिश्रा जी आए थे, प्रशासन को भी साथ में लेके आए थे। देखिए उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, इसलिए प्रशासन को लेके चलते हैं। प्रशासन भी हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। 2 एकड़ 55 डिसमिल है ये जमीन। खेल मैदान है, खेल मैदान में मतलब पूरे पंचायत के बहुत बड़ा मैदान है। इसमें हर एक तरह का कार्यक्रम होता है, जैसे मंडा का पूजा होता है, छौ नृत्य होता है, सरहुला मिलन समारोह होता है, होली मिलन समारोह होता है, जतरा टाँड लगता है का जब मेला लगता है, इस तरह बहुत सारा कार्यक्रम होता है, क्रिकेट का होता है। अगर हमारा ये जमीन बिक जाएगा तो हम मुखिया किस नाम का आती। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिभा को निखारने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट किया जाता है और इसी मैदान से खेलकर फीफा वर्ल्ड कप में भी चयनित होकर फुटबॉल खेलने के लिए बच्ची लोग गए थे। कि सबसे पहला कोई भी जमीन का रजिस्ट्री होता है तो वंशावली के आधार पर जमीन का रजिस्ट्री होता है। इस पर वंशावली देखना चाहिए कि क्या किस मालिक से खरीदा है। खरीदने वाला और बेचने वाला का दोनों का आधार, दोनों का आईडी प्रूफ और वंशावली को मैच करना चाहिए। यहाँ सरासर फर्जी कागज बनाया हुआ है, ना जमीन मालिक का वहाँ पे कोई आधार कार्ड है और ना जमीन मालिक का यहाँ पे सही कागजात है और ना खरीदने वाला का। यहाँ बीच में गलत तरीका से कागजात बनाकर बारंबार 10-15 साल से वो व्यक्ति यहाँ आता है और बोलता है कि मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। रहती जमीन है, सारा पेपर अप टू डेटेड है। जमीन को अभी हम एग्रीमेंट कराए हुए हैं और कुछ दिन पहले जिनका जमीन है उनका देहांत हो गया, तो उनका कारभार जो है जमीन का, तो इसमें मतलब हम कर रहे हैं।